साइज 9.1 टेंथ क्लास का सिक्स सम है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 degree व्हेन ही वॉक टुवर्ड बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि इसमें गिवन क्या है अपने पास, एक लड़का है 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, वो एक बड़ी बिल्डिंग यानी कि जो 30 मीटर की हाइट की जो बिल्डिंग है उसकी तरफ क्या कर रहा है, अभी देख रहा है। तो एंगल शुरू में कितना है, 30 डिग्री। जब वो चलना शुरू करता है बिल्डिंग की तरफ, तब एंगल जाने के बाद में कितना हो जाएगा, थोड़ी दूर जाने के बाद में 60 डिग्री। और बताना क्या है अपने को, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, कि वो कितनी दूर चल के गया, जहाँ पर जाने के बाद उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा जब भी डायग्राम बनाएं, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में राइट हैंड साइड में बनाने की कोशिश करें। जनरली ऐसा करना है, अगर आप उल्टा कर दोगे, इस तरफ भी बना दोगे बड़ा ऑब्जेक्ट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली ऐसा करना है कि इस दोनों में, बॉय में और बिल्डिंग में, बिल्डिंग बड़ी है, कोशिश करें इस तरफ बनाने की। तो हमने मान लिया कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 30 मीटर। यहाँ से कुछ दूरी पर क्या खड़ा है, एक बॉय खड़ा है जिसकी दे रखी है हाइट 1.5 मीटर, यानी कि बॉय है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो देख रहा है आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप देख रखा है। तो एंगल हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना है, कितना 30 डिग्री गिवन है। जब उस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया, कुछ दूर जाने के बाद एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया, मान लिया वो बॉय, तब उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। आपको बताना क्या है, डिस्टेंस ही ट्रैवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ये डिस्टेंस आपको बताना है। नाम लिख देते, नेमिंग ए बी सी डी ई एफ जी। तो शुरुआत में किस तरीके से है, सारी बातें गिवन है, तो आप क्या लिखोगे शुरू में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो क्या है हमारी, वो है हमारी ए बी, ए बी कितनी है 30 मीटर, और ई डी हाइट ऑफ बॉय, ई डी वो कितनी है, वो है हमारी 1.5 मीटर। उसके बाद और कुछ चीज़ें, एंगल नहीं लिखना होता, बाकी चीज़ें हम कुछ और लिखेंगे। पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स, डिस्टेंस ट्रैवल डी से लेके सी तक हो गया है, डी से लेके सी तक हो गया है, तो डिस्टेंस लेट कर लेते हैं ट्रैवल्ड, वो क्या है, डी से लेके सी तक मान लो, या ई से लेके एफ तक, ये तो सेम ही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सेम ही है, तो डी सी या ई एफ वो कितनी है, एक्स मीटर हमने क्या कर ली, लेट कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर ली, एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स। यहाँ से यहाँ ये हम मान लेते हैं वाई, ये हम कितने मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितनी हो जाएगी, वाई, यानी कि एफ जी या सी बी, एफ जी या सी बी एक ही बात है, उसको हमने मान लिया वाई मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि ई से लेकर के जी तक, ई जी या डी बी कितना है, एक्स प्लस वाई मीटर, ई से लेके जी तक या डी से लेके बी तक है, एक्स प्लस वाई मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी हो जाएगा सम को करना। एक और बात आपकी रह गई कि टोटल कितने मीटर है, 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक ई डी अगर 1.5 है तो बी जी भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा, बी जी, बी जी कितना होगा, 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, यानी कि ये 1.5 हो गया जी बी। अगर हम टोटल गिवन है 30, टोटल ए से लेके बी तक 30 है, उसमें से नीचे वाला पोर्शन में निकाल दूँ 1.5, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि मेरे को निकालना है ए जी निकालना है, ए जी, तो मैं क्या काम करूँगा, टोटल में से इस 1.5 को माइनस कर दूंगा, 30 में से माइनस कर दिया 1.5, तो आ जाएगा मेरा 28.5
मीटर, ए जी कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ये खास बात आपको ध्यान रखना है, 28.5 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस है 28.5 मीटर। अब होता है हमारा सम शुरू। दो ट्रायंगल इसमें बनती है, दोनों ट्रायंगल आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी ट्रायंगल है ए जी एफ और एक बड़ी ट्रायंगल आपको ये वाली लेनी है ए जी ई। आप ये ट्रायंगल नहीं ले सकते ए एफ ई, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। और पहले भी बताया था इस एक्सरसाइज में सारी एंगल तो ट्रायंगल है राइट एंगल ही लेनी है, मतलब 90 डिग्री। दोबारा से कौन सी लेनी है, छोटी तो ए जी एफ ले लेनी है और बड़ी ए जी ई ले लेनी है आपको। तो जनरली क्या करना है आपको, छोटी ट्रायंगल को पहले सोल्व करना है, वैसे आप बड़ी को भी सोल्व कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। जनरली आमतौर पर आपको क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए जी एफ, जिन सम में दो ट्रायंगल बनती हो बड़ी छोटी, उन हर उस सम में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि 10 की खिड़की 10 की विंडो यूज होएगी, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है 10 पी बाई बी हमेशा होता है, पी परपेंडिकुलर बी बेस, यानी कि एक परपेंडिकुलर होएगा हमारे पास, एक बेस होएगा हर बार। आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको याद करना है, कोई इंसान मान लिया खड़ा है, खड़ा होने के बाद में वो गिर जाए, पहले खड़ा था ए जी और गिर गया तो हो गया एफ जी, तो पहले खड़े की वैल्यू लिखनी है, फिर पड़े की वैल्यू लिखनी है और साथ में लिखना है टन, या टन यानी कि दिमाग में याद रखना है टन की आवाज़, जब इंसान गिरेगा तो आवाज़ आएगी टन, टन से आपको याद रखना है 10, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चाहे सीधा याद करें चाहे लॉजिक ट्रिक लगा के याद करें, करना क्या है आपको पी बाय बी लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें गिवन और रिक्वायर्ड यही वैल्यू है, ये वैल्यू तो 28.5 गिवन है, ये हमको निकालनी है वाई, इस छोटे ट्रायंगल में एक ये गिवन है कि ये निकालनी है, तो पी और बी से काम निकालना है, पी और बी किस विंडो में आता है 10 में, तो 10 ही रहेगा। हमेशा आपको याद रखना है कि जिन में दो ट्रायंगल बनेगी हमेशा उनमें 10 ही यूज होता है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो पी बाई बी क्या आएगा 10, कितने डिग्री है उस ट्रायंगल में तो 60 डिग्री है, और पी कितना है परपेंडिकुलर तो ए जी है, ए जी, और बी बेस एफ जी, एफ जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए जी की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, ए जी की वैल्यू तो 28.5 है बाय में, एफ जी की वैल्यू, एफ जी की वैल्यू है एफ जी, एफ जी की वैल्यू है वाई, वहाँ से भी देख सकते हो वाई इक्वल टू 1060 आपको याद रखना है, 1060 आपको याद रखना है। इस तरीके के सामने तीन ही वैल्यू यूज होती है जनरली, 1030, 1045 और 1060, तीनों याद रख लेंगे काम चल जाएगा। 1060 के होते हैं √3 डिवाइड बाय, कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, 1060 की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 की 1 से होगी और y की √3 से, y की √3 से 28.5 की 1 से, अगर y की वैल्यू निकालेंगे 28.5 डिवाइड में चला जाएगा √3, अब ऊपर मल्टीप्लाई में उधर जा करके √3 डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 किससे निकाल लेंगे हम, सेकंड ट्रायंगल से, जो कि हमारी पहले बता चुके हैं हम ए जी ई, बड़ी ट्रायंगल बाद में लेनी है हमेशा ए जी ई, तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए जी ई, पहले खड़ा होगा कोई भी इंसान फिर गिरेगा, तो खड़ा कौन है या कि पी बाय में बी, सीधा याद कर लेना चाहिए पी परपेंडिकुलर कौन है, ए जी है दोबारा से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, आवाज़ टन या फिर 10 इस खिड़की में ही आएगा हमेशा, और एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। अब क्या काम करेंगे हम, पी किसके है, पी तो ए जी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, बेस, बेस है हमारा बड़ी ट्रायंगल में ई जी, बड़ी ट्रायंगल में है ई जी, बेस बड़ी ट्रायंगल में ई जी है, ये आपको ध्यान रखना है। ए जी की वैल्यू 28.5, ई जी की वैल्यू एक्स प्लस वाई, 1060 की वैल्यू याद रखनी है √3 डिवाइड बाय
वन नहीं सॉरी एंगल कितना है इसमें, तो 30 डिग्री रहेगा क्योंकि बड़ी ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रहेगा वो होता है 1 डिवाइड बाई रूट 3 रहेगा। x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 28.5 की मल्टीप्लाई रूट 3 से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 आ जाएगा, x प्लस वाई 28.5 रूट 3। अब आपको क्या काम करना है, y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 से, पुट y इक्वल्स टू 28.5 बाई रूट 3, आप सीधा लिख दो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू पुट करनी है y की, x प्लस y कितना है 28.5 बाई रूट 3, 28.5 बाई रूट 3 इक्वल्स टू कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 ये ऊपर से अलग से उस तरफ जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे कुछ नहीं है तो 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 3, एलसीएम आ जाएगा रूट 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 और इन दोनों का एलसीएम रूट 3, 1 की रूट 3 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से 3, उसकी मल्टीप्लाई 28.5 से, यानी कि 28.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 28.5 बचेगा ओनली 28. इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 28.5 रूट 3, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 डिवाइड बाय में रहेगा रूट 3, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 57 डिवाइड बाय रूट 3, पॉइंट में 0 है सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटा सकते हैं नहीं भी लिखें कोई बात नहीं। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट नीचे रह जाए तो एक स्टेप करना था रेशनलाइजेशन, वो करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, तो किस तरीके से होता है रेशनलाइजेशन, जो भी वैल्यू है हमारी डिवाइड बाय में उसको एक बार ऊपर एक बार नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तब कितना हो जाएगा ये 57 रूट 3 डिवाइड बाय 3 की मल्टीप्लाई 3 बिना स्क्वायर रूट की, कैंसिल करेंगे इससे नहीं कर सकते, कई बार बता दिया क्योंकि स्क्वायर रूट में या बिना स्क्वायर रूट इसको कर सकते हैं, 19 पे जाएगा 19 रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 रूट 3, सो ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, तो x क्या था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा 19 रूट 3 मीटर, मीटर आपको ज़रूर लगाना है ये ध्यान रखें।